तेजी से जो है टेम्परेचर हाई हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे और क्या लग रहा है कि कितना जो है अभी टेम्परेचर जो है बढ़ने की उम्मीद है, क्या है? जो टेम्परेचर अभी चल रहा है गर्म और जो ऐसी उम्मीदें हैं उसके हिसाब से गर्म ही रहने वाला है अभी अगले एक आध हफ्ते तक। बीच में हो सकता है एक आध दिन ऐसे भी हों जो कि ज़्यादा गर्म हो और कुछ दिन ऐसे हों जो कि थोड़े कम गर्म हो, लेकिन गर्म रहेगा। 29 से 3-4 दिन के बाद हो सकता है कि ज़्यादा गर्म भी हो सकता है हीट वेव भी आ जाए या कम से कम ही हॉट डे जिसको हम लोग बोलते हैं वो हो जाए। कारण इसका यह है कि जो जिन कारणों से मार्च के महीने में टेम्परेचर थोड़ा सा गिरता है कभी कभी, वो फिर से वही होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिम विक्षोभ। लेकिन वो इस समय कोई भी पश्चिम विक्षोभ इस स्थिति में आ नहीं रहा है, कोई और कारण भी नहीं दिख रहा है जिसके कारण कि टेम्परेचर गिरने की संभावनाएँ हों। वो उम्मीद तो नहीं है कि अभी कोई टेम्परेचर गिरेगा, आगे होप करते हैं कि शायद लोकल मानसून जो प्री मानसून बरसात हो उसके चक्कर में कुछ जगहों पर थोड़ा सा टेम्परेचर अच्छा लगने लगे, कुछ जगह ज़्यादा ख़राब हो, कुछ जगह धूल उड़े, कुछ जगह आंधी आए, इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।